दोस्तों ये एक्वेरियस जो ब्रांड है वो जाना जाता है उनके यूनिक से ईयरबड्स के लिए। सो रिसेंटली उनके एक यूनिक से स्क्रीन TWS लॉन्च हुए है जो कि है एक्वो डॉट्स फायर प्राइम। दोस्तों ये जो स्क्रीन TWS है वो चार ईयरबड्स के साथ आते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्या इसकी प्राइस होने वाली है, कितनी वारंटी दिखने मिलती है, इन शॉर्ट इनके रिलेटेड सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ये भी आपको बताएंगे कि आपको एक बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें डिजाइन की तो आपको बहुत ही यूनिक सा डिजाइन देखने मिलता है। इसके जो ईयरबड्स है वो साइड से ऐसे निकलते हैं और इसके साथ फोर ईयरबड्स है। दो जो पेयर है वो हाफ ईयर डिजाइन के साथ है और दो जो है वो इन ईयर डिजाइन के साथ है। जो इन ईयर डिजाइन है वो जनरली कंफर्टेबल होता है और जो हाफ ईयर डिजाइन है वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। इसके साथ ये चारों के चारों ईयरबड्स IPX5 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट आप इसे वर्कआउट के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है जो कि प्राइस के हिसाब से ओवरऑल लेटेस्ट है। इसके साथ ये जो चारों ईयरबड्स है आप एक स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और दो दो अलग अलग स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन TWS ईयरफोन्स में आपको 2.1 इंच का डिस्प्ले देखने मिलता है। ये एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है तो आप यहीं से सारे ईयरबड्स के मोड्स कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ जो EQ मोड है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कॉल वगैरह आता है तो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने मिलता है, अगर आप कोई गाना प्ले करते हैं तो वो भी स्क्रीन के ऊपर शो होता है। इस स्क्रीन से आप एक ईयरबड्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि इन ईयर डिजाइन वाले। हाफ ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स आप इस स्क्रीन के हेल्प से कंट्रोल नहीं कर सकते। बैटरी लाइफ की बात करें तो ब्रांड क्लेम करता है 8 hours, लेकिन अगर आप ANC यूज करते हैं, चारों के चारों यूज करते हैं और इसके साथ स्क्रीन भी यूज करते हो तो आपको इतना बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। रियल लाइफ में आपको 40 से 50 घंटे के अराउंड बैटरी बैकअप मिल जाएगा। साउंड की बात करें तो 13 FM के ड्राइवर्स है जो कि आपको बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ 3D स्पेशल ऑडियो भी है, इससे कि आपका मूवीज वगैरह देखने का एक्सपीरियंस स्लाइटली अच्छा हो जाता है। बट इन ईयरबड्स में आपको ओवरऑल बैलेंस्ड ही साउंड मिलेगा, इनसे बहुत ही हायर लेवल के एक्सपेक्टेशंस मत रखना। इसके साथ इसके इन ईयर डिजाइन वाले जो ईयरबड्स है वो ANC के साथ आते हैं जो कि 40 डेसिबल तक नॉइज को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो कि आप ऐसे समझ के चल सकते हैं जो भी आपको बैकग्राउंड के नॉइज सुनाई दे रही हो 50-60% कैंसिल आउट होगी। इस बजट में आपको इतना अच्छा ANC नहीं मिलता तो इस बजट में बहुत ही हायर लेवल के एक्सपेक्टेशंस मत रखना। इसके साथ इसके जो ANC के जो डिफरेंट मोड्स है आप स्क्रीन के हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। क्वाड माइक बेस्ड ANC चारों भी ईयरबड्स में तो आपको कॉलिंग क्वालिटी ओवरऑल अच्छी मिलेगी। लो लेटेंसी मोड है। प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम पर 2999 इसकी प्राइस है और इस प्राइस के हिसाब से ओवरऑल एक अच्छे ईयरबड्स है। आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप एक यूनिक से ईयरबड्स ट्राई करना चाहते हो तो आप इनके पास देख सकते हैं। अदरवाइज आपको 1500 रुपए के बजट में बहुत सारे अच्छे अच्छे ईयरबड्स मिलते हैं, उनमें आपको साउंड भी बहुत ही अच्छा मिलता है तो उनके पास आप देख सकते हैं। सो टिल देन आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।